हेलो एवरीवन सो आज हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में देखेंगे डिफरेंसेस क्या है बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या कंटेंट्स है देन पढ़ेंगे ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स तो सबसे पहले देखते हैं क्या डिफरेंसेस है बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो पहला है नेचर मेमोरेंडम इज इन नेचर ऑफ अ चार्टर तो हमें पता है मेमोरेंडम क्या होता है चार्टर ऑफ द कंपनी होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं आई होप आप लोग को याद होगा दैट इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ अ कंपनी तो ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें दिया रहता है कंपनी का क्या राइट्स है उसका एरिया दिया रहता है कि कंपनी को किस एरिया के अंदर काम करना है फिर आर्टिकल्स क्या है आर्टिकल्स कंट्रोलर होता है कंट्रोलर और रेगुलेटर ऑफ द बिहेवियर क्योंकि आर्टिकल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है तो वो बेसिकली जो कंपनी के डायरेक्टर्स से ऑफिसर्स है उसके बिहेवियर को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है आर्टिकल्स फिर अ स्कोप ऑफ कंटेंट्स द मेमोरेंडम कंटेंट्स द फंडामेंटल कंडीशंस मेमोरेंडम फंडामेंटल कंडीशंस को इंक्लूड करता है अपॉन विच अलोन द कंपनी इज अलाउड टू बी इंकॉर्परेटेड सच कंडीशंस आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स द क्रेडिटर्स एंड द आउटसाइड पब्लिक तो ये जो कंडीशंस दिया रहता है फंडामेंटल कंडीशंस मेमोरेंडम में वो रहता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए क्रेडिटर्स के लिए एंड बाकी के पब्लिक के लिए मतलब वो कंपनी के अंदर के जो मेंबर्स है उनके लिए भी होता है और आउटसाइडर्स के लिए भी होता है आर्टिकल्स जो है वो कंटेन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हेल्प करता है इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न करने में कि इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा उसके लिए होता है एंड आर्टिकल्स रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली द कंपनी एंड इट्स मेम्बर्स तो ये रिलेशनशिप बस बतलाता है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स फिर है लिमिटिंग फैक्टर मेमोरेंडम लेज डाउन द एरिया बियड विच द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी कैनॉट गो तो मेमोरेंडम एक एरिया बनाता है क्रिएट करता है जिसके बाहर कंपनी नहीं जा सकता है कंपनी अपना एक्टिविटीज वो एरिया के बाहर परफॉर्म नहीं कर सकता है फिर है आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन विद इन द एरिया ऑफ मेमोरेंडम तो आर्टिकल्स में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है वो दिया रहता है मेमोरेंडम के विदिन ही में ही मतलब कि अगर ये मेमोरेंडम है फॉर एग्जाम्पल ये मेमोरेंडम का एरिया है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स बनेगा वो इसके इन बनेगा इस एरिया के इन फिर है ऑल्टरेशन मेमोरेंडम कैन बी ऑल्टर्ड

जो से उसको अल्टर किया जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लेकिन मेमोरेंडम में में स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करते ही है साथ गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए होता है एंड वो प्रोविजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो प्रोवाइडेड है इन द कंपनीज एक्ट है सुप्रीमेसी मेमोरेंडम इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्राइमरी डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है

फिर बनता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तरीके से चलता है तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये ये. सबसे है. है है उसके बाद दूसरी नंबर पे आता इसलिए कहा जा रहा मेमोरेंडम फिर इन दैट अड द स्कोप ऑपरेशन ऑफ द मेमोरेंडम दे वुड बी अल्ट्रा वायरस एंड दस नल एंड void. इट cannot बी रेटिफाइड तो मेमोरेंडम के बाहर अगर कुछ परफॉर्म किया जा रहा है तो वो अल्ट्रा वायरस होगा एंड वो बाद में उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है कोई भी मीटिंग uh, करके बाकी के मेंबर्स का अप्रूवल लेके भी इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते है ठीक है फिर है द एक्ट डन बाय अ कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड लेकिन यहाँ पे अगर आर्टिकल्स में है तो इसमें रेटिफाई किया जा सकता है करेक्ट किया जा सकता है

तो अगर हम लोग शॉर्ट में डिफरेंसेस देखेंगे तो कह सकते हैं नेचर में मेमोरेंडम इज द चार्टर ऑफ द कंपनी एंड आर्टिकल्स इन नेचर इज द कंट्रोलर और रेगुलेटर ऑफ द बिहेवियर ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी फिर स्कोप और कंटेंट्स में कह सकते हैं कि मेमोरेंडम कंटेन द फंडामेंटल कंडीशन वेर एज आर्टिकल्स कंटेन्स द रूल्स एंड दैट गवर्न द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फिर लिमिटिंग फैक्टर में कह सकते हैं मेमोरेंडम लेज डाउन द एरिया

अगर मेमोरेंडम के बियॉन्ड uh, काम किया गया देन इट विल बी अल्ट्रा वायरस एंड इट कैन नॉट बी रेटिफाइड तो सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे एमओ ए नॉट बी रेटिफाइड एंड आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड ठीक है नेक्स्ट है कॉन्टेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स तो देखते हैं आर्टिकल्स के अंदर क्या कॉन्टेंट्स रहता है क्या क्या चीज रहता है आर्टिकल्स में अकॉर्डिंग टू सेक्शन फाइव ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन the articles shall contain provisions in relation to the following matters pehla hai the articles of a company shall contain the regulations for management of the company to articles mein company ka jo articles hai usme regulations rehta hai company का rules and regulations रहता है ये तो आपको याद करना ही है सबसे पहले कुछ भी दिमाग में आना चाहिए articles में क्या रहता है तो यही आना चाहिए कि आर्टिकल्स में कंपनी का रेगुलेशन रहता है रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है कंपनी को मैनेज करने के लिए कंपनी का इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए दूसरा है आर्टिकल्स शाल कंटेन मच मैटर्स एज मे बी सच मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड तो आर्टिकल्स में वो सारा चीज रहना चाहिए जो की बताया गया है करने को जो प्रिस्क्राइब है लेकिन कंपनी कुछ एडिशनल मैटर्स भी रख सकती आर्टिकल्स में अगर कंपनी को लगे कि ये सारा मैटर्स इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए थर्ड है दैटिकल्स में कंटेन प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट दैट इज अनचेजेबिलिटी इसका क्या मतलब है हमने अभी पहले ही देखा पहले वाले स्लाइड में जब हम डिफरेंसेस कर रहे थे कि मेमोरेंडम को अल्टर करना उतना इजी नहीं रहता है कंपेयर टू आर्टिकल्स आर्टिकल्स को आप ऑल्टर कर सकते हैं बाई पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन लेकिन मेमोरेंडम में स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ आपको अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको स्पेशल uh, रेजोल्यूशन तो पास करना ही होता है अप्रूवल भी लेना होता है और वो होना चाहिए एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट मतलब उसी तरीके से होना चाहिए जैसे कंपनीज एक्ट में आर्टिकल्स में ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है बस लेकिन ये third point में दिया जस्ट स्पेशल पासन आर्टिकल्स में कुछ ऐसे प्रोविजन भी रहेंगे जो अनचेंजेबल रहेंगे जिसको चेंज करना उतना इजी नहीं रहेगा अगर उसको चेंज करना है तो उसमें और ज्यादा कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन अप्लाइड रहता है ठीक है तो आपको ये पूरा सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है लास्ट में आप बस इतना कर सकते हैं मे कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट तो बाकी लेकिन जो मैं बोली वो समझ लीजिएगा ठीक है टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन आर्टिकल्स मे बी ऑल्टर्ड इफ कंडीशन और प्रोसीजर्स विच आर मोर रिस्ट्रिक्टिव दैन एप्लीकेबल इन द केस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन आर मेट और कंप्लाइड विद तो ये प्रोविजन ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव रहता है कंपेयर टू दो प्रोविजन जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके चेंज हो जाए इसमें और ज्यादा कुछ कंडीशन uh, तो uh, so, हम लोग ब्रॉड वे में देखे कि क्या रहता है आर्टिकल्स के अंदर ठीक है रूल्स रहता है वो सारा मैटर्स रहता है जैसा प्रिस्क्राइब है और ऐसा प्रोविशंस रहता है दैट इज अनचेंजेबल इंटरचमेंट तो आगे देखते हैं कि एक्चुअली में क्या मैटर्स रहता है ठीक है तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रहता है एंड उसका डिविजन अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहता है कॉल मनी दिया रहता है एंड प्रोसीजर टू कॉल देखिए इसमें सारा प्रोसीजर्स दिया रहता है फिर दिया रहता है राइट्स ठीक है शेयर सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिया हुआ है वोटिंग वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स एंड पोल प्रोसीजर्स डायरेक्टर्स के बारे दिया रहता है कि उनको अपॉइंट कैसे करना है हमने देखा कि रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है और ये कंट्रोल करता है डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स को ऑफ द कंपनी आर्टिकल्स जो है तो सारा प्रोविजन जो है उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे देखिए सारा रूल्स है रूल्स रिगार्डिंग थिंग्स राइट्स है तो ये सारा चीज जो है आर्टिकल्स में मैंशन रहता है नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स तो आर्टिकल्स के कॉन्टेंट्स को अगर ऑल्टर करना है उसमें चेंजेस लाना है तो क्या प्रोविजंस रहते हैं जिसको फॉलो करना रहता है इन दिस रिगार्ड सेक्शन फोर्टीन डाउन द प्रोविजंस फॉलोस सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स शैल बी अल्टर्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंडीशन इन द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी इसका क्या मतलब है आर्टिकल्स को अल्टर किया जा सकता है लेकिन वो ऑल्टर करने के लिए ये ध्यान में रखना है कि क्या प्रोविजंस है इस एक्ट का कंपनीज एक्ट का एंड क्या कंडीशंस कंटेन्ड है इन द मेमोरेंडम उसके अकॉर्डिंग ऑल्टरेशन होना चाहिए जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कंपनीज एक्ट है इसके अकॉर्डिंग बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड ये दोनों को ध्यान पे रखते हुए बनता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो वही है ये ऑल्टर हो जाएगा लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी फिर ये हमने डिफरेंसेस में देखा था कि आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है द कंपनी में पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन सो दैट द ऑल्टरेशन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ तो ऑल्टरेशन का क्या इफेक्ट होता है company special resolution pass करता है and company है, है? उसके बाद जब होता होता तो उसका क्या effect होता है? पहला इंटू अ पब्लिक कंपनी आर्टिकल्स ऑल्टर होने के बाद या फिर पब्लिक कंपनी इंटू अ प्राइवेट कंपनी तो अगर प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना है इंटू अ पब्लिक कंपनी या फिर ऑल्टर

अपने आर्टिकल्स को चेंज किया ठीक है? और इस तरीके से चेंज किया कि जो रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए प्राइवेट कंपनी का, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस होना चाहिए प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में वो चेंज हो गया है मतलब अब वो रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस नहीं रहा है प्राइवेट कंपनी का तो उस केस में कंपनी जो है सीजेस टू बी अ प्राइवेट कंपनी मतलब अब प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगा जिस दिन वो अल्टरेशन करेगा अपने आर्टिकल्स को इस तरीके से कि जो प्राइवेट कंपनी का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो प्राइवेट कंपनी उस दिन से प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगा वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ठीक है ठीके? कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ लिमिटेशंस प्राइवेट कंपनी के होते हैं और वो आर्टिकल्स में दिया रहता है लेकिन आर्टिकल्स को चेंज किया जा रहा है और वो रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन को हटा दिया जा रहा है तो ऑविय बात है प्राइवेट कंपनी में वो रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए एज पर अब वो ऑल्टरेशन के बाद वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगा एज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑल्टरेशन आगे है पब्लिक कंपनी में अगर उसका पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में अगर चेंजेस लाया जाए तो क्या इफेक्ट होता है ठीक है हाउेवर

अपने आर्टिकल्स को अल्टर करेगा तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं बनेगा वो ब... जब तक वो नहीं बनेगा जब तक वो अप्रूवल ना ले ले ऑफ़ ऑफ़ द द कोर्ट, ट्रिब्यूनल। कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा अप्रूवल ग्रांट हो गया बाय द ट्रिब्यूनल तब कंपनी जो है पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल विद द रजिस्ट्रार तो ऑल्टरेशन हो गया स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया उसके बाद ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन है डॉक्यूमेंट्स है इससे रिलेटेड वो और इसका कॉपी प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर आर्टिकल्स जो भी ऑल्टरेशन है उसका प्रिंटेड कॉपी के साथ डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास दे दिया जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज एंड बाद में जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्टर करते हैं इस ऑल्टरेशन को फिर है वैलिडिटी ऑफ ऑल्टरेशन

अंदर अंदर उन लोग को ये कॉपी मिल जाना चाहिए और उसके लिए जो मेंबर्स से उन लोग को जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी है वो पे करना पड़ेगा सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सो थैंक यू